नर्वस सिस्टम ठीक है इसके बाद नर्वस सिस्टम के हिस्से कितने हैं नर्वस सिस्टम के दो हिस्से हैं आगे. एक होता है सी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है दोबारा पाई जाती है, brain, जो है उसके अंदर क्या, क्या है ब्रेन और स्पाइनल स्पाइनल वर्टिपल कॉलम के अंदर होते हैं अच्छा अब ये जो ब्रेन से टोटल निकलती है। से क्या निकलती है, निकलती है। कितने और स्पाइनल नर्वस सिस्टम है एक मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है अब जो पीएनएस है उसको हम उसके ब्रेन से जो बारह नर्व के जोड़े निकल रहे हैं ना ब्रेन से बारह नर्व के जोड़े निकलते हैं पेयर निकलते हैं और स्पाइनल कॉर्ड थर्टी वन पेयर ऑफ नर्व निकलते हैं ये पेरीफिर नर्वस सिस्टम बना रहा है इसको दोबारा से मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि ये फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये फॉर एग्जाम्पल ब्रेन है ठीक है और यहाँ पे इसको हम कहते हैं ये स्पाइनल कॉर्ड है ब्रेन से जिसम के अंदर या बॉडी के अंदर जो है ना बारह जोड़े ब्रेन से निकल रहे होते हैं नर्व के पेयर यानी ये एक पेयर है इस तरह दो टोटल कितने बारह इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड से कितने नर्व निकल रहे होते हैं थर्टी वन ठीक है तो ये क्या बनाते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो सेंटर में है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पूरे जिसम में जो फैला हुआ है उसे हम क्या कहेंगे नर्व का नेटवर्क वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अच्छा वी नो दैट द एनिमल सर्वाइवल डिपेंड ऑन इट्स एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द स्टिमुलस क्या होता है फॉर एग्जांपल मैं आपको जो आपके अंदर रिस्पांस पैदा करे ठीक करे देखते हैं तो सूरज की छोटे सा डॉगी को देख लेक बच्चा होगा वो डॉगी को भी देख के भाग जाएगा ठीक है वो स्टूमुलस था चूहे को देखा चूहा को देख के जो चीख आपकी निकलेगी वो क्या है चूहा एक स्टूमुलस है आपके अंदर रिस्पॉन्स पैदा कर रहा है तो आपने जो एक बेसिकली क्या चीज देनी है रिस्पॉन्स देना है इन्वायरमेंट को

डिटेक्ट करेगा कि कांटा लगे आपको दर्द महसूस होगा ठीक है तो ये चीज बता रहा है यहाँ सेल और न्यूरॉन अच्छा अब ये जो ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड है या जो नर्व है वो किसकी बनी हुई है वो बनी होती है नर्व सेल और न्यूरोन जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो मसल है मसल टिश्यू मसल फाइबर के बने हुए हैं नर्वस टिश्यूज किसके बने हैं नर्व सेल या न्यूरोन के नर्वस टिश्यूज किसके बने हैं नर्व सेल या न्यूरॉन इसे कहते हैं और ये स्पेशलाइज सेल जो कंडक्ट करते हैं मैसेज इन दर्व इम्पल्स ये नर्व की फॉर्म में जब हमने सोडियम पोटासियम पंप वाला पढ़ा था ठीक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इसी चैप्टर में तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो नर्व इम्पलसेज हैं जब ना सेंड हो रहे हो तो उसे क्या कहते हैं रेस्टिंग मेमब्रेन पोटेंशियल यानी मेम्रेन को रेस्ट पे रखने के लिए रेस्टिंग मेम्रेन पोटेंशियल होता है अब इसकी मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ जिससे आप आसानी से ये जज कर सकें ये देखें जी ये हमारे पास नर्वस टिश्यू की एक बेसिक यूनिट है जिसे हम क्या कहते हैं नर्व सेल ठीक है नर्व सेल का ये जो हिस्सा है इसे कहते हैं डेंड्राइट्स इस हिस्से को क्या कहेंगे डेंड्राइट्स और ये पूरा हिस्सा जो है सेल बॉडी ये आपको ये सेल बॉडी लेबल किया हुआ नजर आ रहा है सेल बॉडी के बीच में क्या है न्यूक्लियस बाकी यहाँ से लेके ये जो सारा हिस्सा है ये एग्जोन है ये सारा हिस्सा क्या है एग्जॉन्स है अच्छा अब इसकी कोई और डायग्राम में अगर हम देखते हैं ठीक है ये देखें जी ये बेसिकली मैसेजेस क्या होते हैं ये मैसेजेस ये देखें यहां से ये सेल बॉडी के अंदर मैसेज आता है डेंड्राइट डेंड्राइट से ये dendrite जो है मैसेज लेके जा रहा है सेल बॉडी के अंदर सेल बॉडी से ये एग्जॉन की तरफ मैसेज जाता है और फिर एग्जॉन जो है फिर अगले यानी एग्जॉन आप ये समझ लें कि ये एग्जॉन है देखें डेंड्राइड कंटेक्ट बायदर न्यूरॉन यानी ये जो है ना आप समझें यहाँ पे इस ये जो ये जो न्यूरॉन है ये जो न्यूरॉन सेल है या नर्व सेल है इसके जो डेंड्रॉइड हैं ये दूसरे किसी न्यूरॉन के एग्जॉन के साथ जुड़े हुए हैं यानी ये एग्जॉन मैसेज लेके आ रहा है किसको दे रहा है डेंड्राइट को डेंड्राइट ने मैसेज किसको दिया सेल बॉडी को सेल बॉडी से एग्जॉन की तरफ मैसेज किया फिर एग्जॉन हम बात कर रहे हैं ये एग्जॉन दोबारा किसी अगली नर्व के साथ जुड़ा होगा अगली नर्व के किसके साथ जुड़ा होगा डेंड्राइट के साथ फिर डेंड्राइट से मैसेज यानी ये पूरी बॉडी के अंदर फैले होते हैं ठीक है पूरी बॉडी के अंदर पूरे जिसम के अंदर ये क्या होते हैं डिस्पर्स होते हैं फैले होते हैं ये आपको दोबारा वही स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ठीक है आगे अगर हम देखेंगे तो ये सारे के सारे तकरीबन इसी तरह का नर्व सेल होता है ठीक है है इसके इसके अंदर जो जो ये 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 देखें ये नजर आ रहा विदाउट माइल शीट यानी ये जो नजर आ रही थी ना ये वाली एग्जॉन इसके ऊपर आपको ना ये माइलेंट शीट नजर आ रही है नोड्स नजर आ रहे हैं नोड्स ऑफ रैन ये फिलहाल हमारे कोर्स का ऐसा नहीं है लेकिन मैंने वैसे आपको थोड़ा सा मैंने क्या एबोरेट कर दे तो ये क्या चीज है बच्चों ये सेल बॉडी ये डेंड्राइट हैं ये पूरे का पूरा एक्सॉन है अब बाज एग्जॉन क्या होते हैं जो कि विदाउट यानी इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता सिंपल यू एग्जॉन होते हैं एक इस तरह करके होते हैं और ये जो हमारी बुक में जो एग्जॉन बना हुआ है इसके ऊपर क्या चीज है ये शवान सेल इन्हें कहते हैं ठीक है आपने याद करने की जरूरत नहीं है सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ये शवान सेल इनको कहेंगे शवान सेल और शवान सेल अपने अंदर की साइड पे क्या क्रिएट करते हैं माइलेंट शीट क्या क्रिएट करते हैं क्रिएट करते हैं आपने सिंपल जो याद करना है है क्लास के कोर्स का जो हिस्सा वो यही है कि आपने ये बताना है नर्वस टिश्यूज ठीक है नर्वस टिश्यू एबिलिटी किस चीज की एबिलिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं Stimulus को के वो हमारे पास एबिलिटी टू यानी के जो हमारा होता है वो किस वजह से होता है नर्वस टिश्यूज की वजह से और नर्वस टिश्यूज क्या करते हैं इम्पल्स जनरेट करते हैं यानी मैसेजेस ट्रांसमिट करते हैं अब नर्वस टिश्यूज बने किसके होते हैं नर्व सेल या न्यूरोन और ये एक नर्व सेल या न्यूरोन का एक क्या बेटा स्ट्रक्चर है ठीक है जिसमें सेल बॉडी डेंड्राइट ये एक्सॉन और ये भी सारा का सारा एक्सॉन ही है ठीक है एक यानी यहाँ पे ये जो डेंड्राइट है ये दूसरी नर्व सेल से मैसेज लेते हैं दूसरी नर्व के एक्सॉन से मैसेज लेते हैं और किसको मैसेज देते हैं सेल बॉडी को फिर सेल बॉडी एक्सॉन को फिर एक्सॉन अगली नर्व के डेंड्राइट के साथ कनेक्ट होता है और सो ऑन इस तरह मैसेजेस पूरी बॉडी में ट्रांसमिट होते हैं तो नर्वस टिश्यू इज फॉर्म ऑफ ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एंड और ब्रेन से कितनी नर्व निकल रही है बारह पेयर ऑफ नर्व और स्पाइनल से कितनी निकल रही है थर्टी वन पेयर ऑफ पूरी बॉडी के अंदर नर्व का जो नेटवर्क है पेरीफिरल नर्वस सिस्टम तो ये हमारा टॉपिक था आज का एंड जो ए, एनिमल टिश्यू का हमने इसको एंड कर दिया नर्वस टिश्यूज